सो ये गाइज वेलकम बैक टू टुडे इस वीडियो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु राणा एंड आज की वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारा गेम प्ले दिखाने वाला हूँ सुपर मारियो ब्रोज वंडर का। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को एंड लाइक एंड कॉमेंट गाइज सबके सब कर दो। चलो बिना किसी डिले के गेम प्ले स्टार्ट करते हैं। तो यस, हमें करनी है एक ब्रांड न्यू गेम स्टार्ट। इस गेम को खेलने के लिए बाय द वे मैं बहुत टाइम से एक्साइटेड था। सिलेक्ट नंबर ऑफ प्लेयर्स 1, 2, 3, 4, भाई अप टू 4 प्लेयर्स खेल सकते हैं इस गेम को एक टाइम पर। यार ये काफ़ी अच्छा फीचर है, पर हम तो अकेले ही सिंगल है तो एक ही करते हैं। कैरेक्टर्स भाई इतने सारे, मारियो, लुइगी, पीच, डेजी, येलो टोड, ब्लू टोड, टोडेट, हो सकता है गलत प्रनाउंस कर दिया ये, योशी, रेड योशी, येलो योशी, लाइट ब्लू योशी, नैबिट। इनकी अलग पावर भी देखो, ये डैमेज नहीं लेंगे बट पावर अप का असर नहीं होगा इन पर। एंड ये वाले नॉर्मल ही है, इनमें कुछ खास पावर नहीं है, ये जैसे होते हैं मारियो गेम्स में वैसे होगा। हम चलो मारियो ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि अपना तो ऑफकोर्स मारियो ही मेन कैरेक्टर है इस गेम का। वेलकम टू द फ्लावर किंगडम, इट्स जस्ट अ शॉर्ट हॉप अवे फ्रॉम द मशरूम किंगडम। अपॉन रिसीविंग एन इन्विटेशन फ्रॉम प्रिंसेस फ्लोरियन, मारियो एंड अदर्स आर ट्रैवलिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये कोई नई जगह है, मशरूम किंगडम में नहीं, हम फ्लावर किंगडम में। एंड ओ भाई टॉकिंग प्लांट्स, हे देयर, वाह यहाँ पे भी है, वेयर इज द पार्टी। तो चलो आगे चलते हैं। ओ लुइगी भी इन्वाइटेड है इस पार्टी में, नाइस। मतलब ऑफकोर्स लुइगी प्लेएबल कैरेक्टर है तो होना ही था। ये दो कोई नए से कैरेक्टर है, ये आई थिंक इस फ्लावर किंगडम के रेजिडेंट्स हो गए। ओ वो रे टोड वगैरह, प्रिंसेस पीच, प्रिंसेस पीच को देखो क्या प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है भाई। योशी की पीठ पे मस्त चल के आ रही है, इसे चला नहीं जाता, इतने लंबी हील्स क्यों पहना गया तो उससे चला नहीं जा रहा, मतलब हद ही है यार। चलो भाई एंट्री होगी मेरे फेवरेट कैरेक्टर की। बाउजर मुझे सबसे बढ़िया बंदा लगता है भाई पूरी सुपर मारियो फ्रेंचाइज में, क्या करेगा अब इसमें। अच्छा ये वो वंडर फ्लावर टच कर दिया इसने यार, अभी ये क्या किया इसने, अच्छा ये खुद ही कैसल बन गया यार अब। तो इसने मारियो वो जो वंडर फ्लावर था उसको टच करा और अब ये खुद ही वो बन गया यार, कैसल बन गया यार खुद से। और यही आई थिंक प्लॉट लाइन है मतलब इस पूरी गेम की, कि मारियो का भी ये वापस नॉर्मल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा बाउजर को। चलो बढ़िया, वॉज दैट किंग बी बाउजर, हाउ कुड ही स्टील अ वंडर फ्लावर एंड अ फ्लावर कैसल टू, आई कॉन्ट बिलीव दैट ही मर्ज विद अ ब्यूटिफुल कैसल लाइक दैट, इट्स जस्ट सो ऑफुल। Bowser will make a terrible mess of our whole kingdom if we don't stop him somehow. ये देख रहे हो, चुल देख रहे हो मारियो के अंदर, बिल्कुल वो खिचड़ी का प्रफुल्ल होता है, exactly वैसी चुल और वैसी हरकत करी है इसने, बाबूजी मैं हूं ना वाली। You will help us? Thank you. Of course he'll help us. पूरी गेम उस पर टिकी हुई, अगर हेल्प नहीं करेगा तो भाई स्टोरी की प्लॉट लाइन क्या बची। ये कहाँ घुस गया, सिर के अंदर घुस गया हमारे, बहुत बढ़िया भाई। तो चलो फाइनली गेम हमारे थोड़ी कंट्रोल में आई है एंड ये रहा पहला लेवल, वेलकम टू द फ्लावर किंगडम। डिफिकल्टी एक ही स्टार है, इसको स्टार्ट करके देखते हैं। ऑल्सो ये भी देखते हैं लोडिंग टाइम्स कितने फास्ट है इस गेम के, क्योंकि यार बहुत दुखी करते हैं मुझे निंटेंडो सर्च के लोडिंग टाइम, सबसे घटिया चीज़ भाई काफ़ी ये वाली, ये गेम के तो काफ़ी क्विक है यार। देखें ज़रा इस नए वर्ल्ड में कंट्रोल एग्जैक्टली सेम ही लग रहा है, कंट्रोल्स में तो कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा मुझे। वो देखो गुम्बा हमारा पुराना दोस्त, ऊपर कोई पर्पल कलर की करेंसी जैसी यार, वो कुछ नया लग रहा है, ये कुछ नया मिला यार। ओ भाई साहब कितना सीमलेसली ट्रांसफॉर्म करा इसने यार, कितना कूल है ये एलिफेंट। ओ भाई साहब कैसा वियर्ड सा लग रहा है इस एलिफेंट को कंट्रोल करना, क्या क्रेजी पावर है भाई, वो कैसे फेंक के मार रहा है यार, सीधा हार्ट सावन की घटा टाइप्स। ये रहा यार वो जो वंडर फ्लावर नहीं है ट्रेलर में देख देख के सब जिसको खा के नशे हो रहे हैं। गाइज से नो टू ड्रग्स,
अनटिल एंड अनलेस मतलब तुम सुपर मारियो वंडर्स में कर रहे हो तब ठीक है, बट ऐसे मत करो यार। अरे भाई साहब क्या ट्रिपी दुनिया होगी यार ये, ऐसा होता है क्या ड्रग्स लेने के बाद? जिसने ड्रग्स लिया है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ यार, ऐसा ही फील होता है क्या भाई? यार क्या क्रेजी वर्ल्ड है यार, क्या क्रेजी हो जाती है पूरी दुनिया ये वंडरफुल फ्लावर लेने के बाद यार। और निंटेंडो भाई क्या क्रेजी एम्प्लॉयज इनके, कैसे आइडियाज पिच करते हैं। पाइप को केंचुआ बना दिया भाई, पाइप को अर्थवर्म बना दिया। सोचो मैं अपने ऑफिस मीटिंग में ऐसे आइडियाज पिच करने लग गया ना, मेरे हाथ में भाई वो वंडरफुल फ्लावर देंगे और घर भेज देंगे, मुझे कहेंगे कल से मत आना भाई। यार ये जो लेवल सिलेक्शन स्क्रीन है ना इनकी, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यार, मतलब अच्छे 3D एंड काफ़ी स्मूथ, बिल्कुल एकदम सीमलेस प्रोसेस है। ये वाला लेवल ज़्यादा ट्राई करके देखते हैं। ब्रेक टाइम हरी हरी डैश एंड गो, आई थिंक बस भागना है आई थिंक इसमें। यू गॉट अ वंडर सीट, बस इतना ही था लेवल, अभी तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। हेयर कम द होपोज, इस लेवल में देखते हैं यार क्या है, इंटरेस्टिंग सा लग रहा था। ठीक है तो एक हिप्पोपोटामस है यहाँ पे ऑब्वियसली, अच्छा पक्का इसके ऊपर जंप करेंगे, मतलब ऑब्वियसली है क्रैक के बीच में इन्होंने इतनी फ्लफी सी चीज़ डाली हुई है। देखा बाय द वे यार, जब भी आप ये गेम खेलो ये पर्पल कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी शॉप में गया था जो मतलब निंटेंडो की शॉप है, मतलब निंटेंडो की बनी सुपर मारियो वंडर्स के अंदर जो शॉप है जहाँ से आप आइटम्स खरीद सकते हो भाई, वहाँ पे हर एक चीज़ सिर्फ ये पर्पल कॉइन्स से खरीदी जा सकती है। अभी तक टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये गोल्डन कॉइन्स का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया, कलेक्ट क्यों कर रहे हैं हम अगर मतलब इनको इनका कोई पर्पस ही नहीं है। कुछ तो मतलब रेलेवेंस रखो ना यार, आई थिंक आगे होगा, हो सकता है मुझे ना पता हो, बट अभी तक तो मेरे को नहीं मिला है मतलब। भाई ये लेवल है बहुत फन यार। भाई तुम लेवल डिज़ाइन देखो यार, मतलब और ऊपर से कलर्स का यूज़ देखो तुम, कितना ज़्यादा कलर का यूज़ है बट कितना अप्रोप्रिएटली यूज़ किया है कि तुम मतलब हुक्ड हो जाओगे। मैं बैट लगा रहा हूँ भाई, तुम अगर ज़रा सा भी पसंद है तो मैं मारियो गेम्स, तुम ये गेम डेफिनेटली बहुत इन्जॉय करने वाले हो। मैं देखो बहुत एवरेज मारियो फैन हूँ मतलब, समझ रहे हो, मुझे अगर कोई बहुत ही ऐसी अच्छी लगती है तो मैं खरीदता हूँ, जैसे मुझे ये लगी तो मैंने खरीद ली। बट यार अगर कोई, ये कहाँ चला गया मैं? ओ भाई साहब शिट, बातें करते करते मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार, एक सीक्रेट वो है पैसेज है ऊपर। ये देखो यहाँ पे पी कलर का भी मतलब पी ब्लू सा कुछ लिखा भी है, अच्छा ठीक है। ये क्या नए कॉइन्स यार, ये तो पहले नहीं आए, समझ नहीं मुझे। कॉइन्स तो हैं ये पर बढ़ तो वही रहा है, ये गोल्डन कॉइन्स ही बढ़ रहे हैं हमारे तो सारे। अच्छा चलो वो पर्पल कॉइन मिल गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा मैं बता रहा था आपको। बट यार कितना मैं इतना रैंडमली जंप किया पता है उस पर, मेरा ध्यान भी नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ऐसे वो सबकॉन्शियसली चला रहा था ये गेम अभी। बट सही है यार, एक और वंडर फ्लावर मिला हमें, आप देखते हैं लेवल कैसे चेंज होता है इससे। अच्छा ठीक है, बहुत सारे हिप्पोज आ चुके हैं रास्ते में, एंड क्या करना है इसमें। ये आपको देख के लग रहा होगा मैं नूब हूँ इसलिए आगे नहीं जा पा रहा, पर ये इतना इजी नहीं है कंट्रोल करना यार, वो रैंडमली आई जा रहे हैं, मेरे को चांस भी नहीं मिल रहा अपने उस हाथी को कंट्रोल करने का। तो हमें वो ऊपर जो सीट दिख रही है वो चाहिए, मिल गई। ऐसे भाई तुम ऐसे लाइटली मत लो, मैं बहुत ज़्यादा नहीं खेलता हूँ प्लेटफॉर्मिंग गेम्स, पर ऐसे बिल्कुल भी नूब नहीं हूँ यार मैं, नूब सिर्फ मैं ऐसे ऑनलाइन मल्टीप्लेयर शूटर्स में हूँ, बाकी सब खेल ही लेता हूँ मैं। ये वैलोरेंट वगैरह नहीं खेली जाती यार मुझसे, वैलोरेंट एपिक्स फोर्टनाइट इन सब में बहुत ही वाहियात हूँ भाई, मैं खुद एडमिट करता हूँ। और ये भाई ये भी इतने रैंडमली मिला यार मुझे, मैं ढूंढ नहीं रहा था वो जो पीछे सिक्का था। शिट तो बस है गाइस, आज की वीडियो के लिए रखते हैं इतना ही। अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक्स अ लॉट, स्पेशल थैंक्स टू यू कि आपने पूरी वीडियो देखी मेरी।
आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई हो तो अपने थॉट्स प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे देना। तो बस यार आज की वीडियो के लिए रखते हैं इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।